नमस्कार, मेरा नाम विकास वर्मा है एंड यू आर वॉचिंग नेशनल रिपोर्टर। थैंक यू सो मच। कांग्रेचुलेशन सर, आपके नए शो के लिए। सर, थोड़ा सा कुछ बताइए, किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस नए शो में? थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं बहुत लकी हूँ, मुझे इस शो का नेगेटिव लीड करने को मिला है। मेरा कैरेक्टर बहुत ही रोचक कैरेक्टर है, या असुरों का राजा। जब समुद्र मंथन हुआ और असुरों को निकाल दिया गया, तो उनके पास जगह नहीं थी रहने की, तो वो पाताल में जाके बस गए। तो जब वो पाताल में जाके बसे, उन्होंने अपना ठिकाना ढूंढा, वो वहाँ रहे। वहाँ पे ये शख्स जो है वो उनका राजा बना। अभी सारे लोगों को अपनी तरह भड़काता गया, ये चाहता था कि पूरी धरती उसकी हो। इसी बीच माता रानी का जन्म होता है, तो उसे ढूंढना, कहाँ हुआ है, कोई शक्ति अगर इसका स्थान ना ले ले, तो ये कैरेक्टर वैस अपने आप में एक राजा है जो चाह जाता है कि पूरी धरती ख़त्म हो जाए और माता रानी से कैसे ये बचेगा, ये देखना है। मैं जब से आया तब से नेगेटिव रोल कर रहा हूँ। मैं लकी हूँ शायद तक। अब ये जब रोल आया मेरे पास फर्स्ट माइथोलॉजिकल है ये मेरा, मैंने इससे पहले फिल्म्स की है। जब ये रोल आया तो मैंने इस कैरेक्टर के बारे में पढ़ा, प्लस शो का नाम मैंने देखा, जय माता दी, जय जग जननी माँ वैष्णो देवी। और मैं सबसे बड़ा भक्त हूँ, अंदर दिल में अगर कुछ आता है तो वो आता है माँ। अब मुझे हाँ करना था, और जब वो कैरेक्टर समझ में आया, इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, उसके अंदर लेयर के अंदर लेयर, वो बदलता जाता है हर वक्त। मैं ऐसा नहीं लगता हूँ, मैं बहुत ही डिफरेंट लगता हूँ, मेरी आवाज़ ऐसी नहीं है। तो जब मैंने पढ़ा, एक होता है कि नेचुरल जो चीज़ें आप करते हैं वो नेचुरल होता है। यहाँ पे एक किरदार मैं बना रहा हूँ, उसको पैदा मैंने किया, वो दिख अलग रहा है। रोज़ सुबह जब मैं जाता हूँ एक अलग इंसान होता है, जब मैं बनता हूँ तो एक अलग इंसान होता है। तो आई थिंक कुछ क्रिएट करने में आपको मज़ा आता है, तो यहाँ मैं रोज़ एक क्रिएट करता हूँ एक अलग किरदार। अच्छा, जिसने आपने इससे मेरे को शो किए होंगे तो वो तो एटलीस्ट वो ड्रामे वाला, बिल्कुल, लेकिन ये तो माइथोलॉजी और माँ से सब लोग जुड़े होते हैं। और क्या आप आने वाले दिनों में मतलब कैसे देखते हैं शो को, मतलब आप कैसे देख रहे हैं? मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ, मैं खोज रहा हूँ अभी भी। हर एक दिन एक अच्छा दिन होता है, हर एक दिन नया सीखने को मिलता है। माता रानी की कहानी हम सुन रहे हैं रोज़, स्क्रिप्ट में लिखा आता है। तो मैं भक्त होने के बाद भी मैं रोज़ उनकी कहानी जान रहा हूँ। अब मुझे पता चलता है कि माँ का जन्म कहाँ हुआ, कैसे हुआ, कैसी कैसी उन्होंने चीज़ें बचपन से ही सॉल्व करनी शुरू की। तो इस रोज़ यहाँ जाने के बाद मैं और बड़ा भक्त होता जा रहा हूँ। मेरे अंदर का भक्त जाग के वो नेगेटिव कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छा कर रहे हैं। तो ऐसे ही जो विलेन का किरदार है, जो माता जी की है, मैं आपको बता दूं कि ऐसा है कि वैष्णो देवी में नीचे जाके पहले उनसे मिलना पड़ता है जिसका वध किया था। बिल्कुल। तो आप क्या कहना चाहेंगे? सर, अभी माता जी छोटी हैं, उनका जन्म हुआ है, तो मैंने कुछ लोग भेजे हैं, जैसे कि आप देखेंगे माँ ने बहुत कोशिश की, तो पता नहीं लग पा रहा है, बिकॉज बहुत ही देवी शक्ति है। तो आई थिंक मेरी आसुरी शक्ति काम नहीं कर रही है अभी ढूंढने में। जैसे ही मैं पता चलेगा, तो जब भी हम दोनों की भेंट होगी, पता चलेगा कि मेरा क्या हश्र हुआ। ओके, आखिर में बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी शो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखिए, कि क्या इससे कल्चर वो बड़े देश में क्या कहना चाहेंगे? सर, मैं चाहता हूँ बच्चे, बड़े और वृद्ध सारे देखें, बिकॉज माता रानी की कहानी है। पहली बार बचपन से लेके बड़ी होके वो माँ कैसे बनी, पहली बार टेलीविज़न पे आ रही है। आई थिंक सोमवार से शनिवार रात 9:30 बजे स्टार भारत पर, पहले कभी नहीं हुआ ये। इतने विस्तार में माँ की कहानी कोई नहीं सुनाया, और सबके दिल में माँ है कहीं ना कहीं। और आई थिंक सब देखेंगे, और सब देखना चाहिए, आप लोग प्लीज़ देखिए। थैंक यू सो मच।